हेलो दोस्तों, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज टू भी अब चालू कर दिए हैं। इंटीग्रेशन का आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज टू भी इंटीग्रेशन का साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए दोस्तों इसमें कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स है तो इसमें टू साइन स्क्वायर एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू एक्स। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर लेंगे। देखिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, देखिए तो यहां पर हम I इज इक्वल टू वन बाई टू से इंटू कर देंगे, टू से अंदर इंटू कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ। देखिए वन बाई टू से बाहर, टू से अंदर, तो ये साइन स्क्वायर टू, ये टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ। देखिए इसके जगह पर I इज इक्वल टू वन बाई टू, टू साइन स्क्वायर एक्स का जगह पर वो फॉर्मूला रख देंगे वन माइनस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। देखिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन बाई टू। देखिए वन का इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग कीजिए, तो अलग अलग कीजिएंगे करेंगे तो डी एक्स वन बाई टू डी एक्स इसमें इंटू हो जाएगा वन में, तो ये हो गया। फिर वन बाई टू से इंटू हो जाएगा डी एक्स, ये कॉस टू एक्स डी एक्स। देखिये डी एक्स और इंटीग्रेशन सब में इसमें इंटू कर दीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन बाई टू डी एक्स का एक्स हो जाएगा, और हमारा देखिए कॉस का क्या होगा, तो कॉस का होता है साइन एक्स, तो ये वन बाई टू इंटू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। इंटीग्रेशन में एक्स का कोफिशियंट जो होता है उससे डिवाइड हो जाता है, एक्स का कोफिशियंट टू है। देखिए यहां पर एक्स का कोफिशियंट टू है, तो टू से यहां पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया प्लस सी, ये हो गया। तो हमारा हो गया इसका रिजल्ट आई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी। देखिए ये रिजल्ट हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। देखिए ये रिजल्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें टू, देखिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है कैलकुलस के लिए। देखिए टू कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा वन प्लस कॉस टू एक्स। देखिए वन प्लस कॉस टू एक्स होता है, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूला को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, I इज इक्वल टू वन बाई टू से बाहर, टू से अंदर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए टू से डिवाइड किए, टू से इंटू कर दिए, वो रूप ला दिए। अब हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन बाई टू, देखिए वन का ये अलग अलग भी कर सकते हैं हम, तो यहां पर कीजिएगा तो वन बाई टू डी एक्स हो जाएगा प्लस वन बाई टू। देखिए वन में इंटू करेंगे वन बाई टू, तो वन बाई टू कॉमन बाहर कर दिए इंटू डी एक्स प्लस ये वन बाई टू इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स डी एक्स अलग अलग कर दिए। इसके बाद देखिए होगा I इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स प्लस, देखिए कॉस का साइन होता है वन बाई टू कॉस का साइन टू एक्स, एक्स का कोफिशियंट टू है, टू से डिवाइड हो जाता है। देखिए तो हमारा हो गया I इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी। देखिए हमारा रिजल्ट ये हो गया, देखिए ये हमारा रिजल्ट हुआ। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। देखिये इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे सेम टू सेम बात, देखिए यहां पर टू से इंटू कर देंगे,
तो यहाँ पर 1 बाई 2 से इंटू करेंगे, अंदर में 2 से इंटू करेंगे, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया इंटू डी एक्स। देखिए ये I इज इक्वल टू 1 बाई 2, इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x, 2x का यहाँ पर x हो जाएगा क्योंकि 2x एक एक्स तो 2x होता है, आधा x तो 1x होता है। देखिए ये हो जाएगा और इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला ये होता है। देखिए I इज इक्वल टू 1 बाई 2, देखिए 1 का x हो जाएगा, देखिए 1 का x और cos का हमारा sin x हो जाता है, sin x प्लस c। तो देखिए इसको लिख देंगे 1 बाई 2 एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। देखिए ये इसका रिजल्ट हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा I इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। देखिए तो इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखिए इसमें चेंज कर देंगे इंटू डी एक्स। देखिए चेंज कर दिए तो कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख दिए। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, देखिए अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस, देखिए माइनस डी एक्स। तो ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों I इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, देखिए माइनस कॉट एक्स होता है, तो इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स एक्स बाई 2 और एक्स के कोफिशियंट 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे माइनस एक्स, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। देखिए हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। तो ये क्या करेंगे, देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, 1 बाई 2 से बाहर अंदर 2 से, 2 साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये दुगुना हो जाता है इसका, 1 माइनस कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर एन एक्स है तो 2 एन एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये 1 बाई 2 हुआ, 1 का हमारा एक्स हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, साइन 2 एन एक्स, एक्स का कोफिशियंट 2 एक्स 2 एन है तो 2 एन से डिवाइड कर देंगे प्लस सी जोड़ देंगे। देखिए अंदर कर दीजिए तो ये 1 बाई 2 एक्स, एक्स से इंटू कर दीजिए इसमें, 1 बाई 2 एक्स माइनस, देखिए ये साइन 2x डिवाइडेड बाई 4n प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा ये हो गया रिजल्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 5x साइन टू द पावर 5x dx। देखिए पावर 5 है तो इसको क्या करेंगे, देख लीजिए इसको क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पर पावर 4x, पावर 4 लिख देंगे इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख देंगे। देखिए 4x 5 हो जाएगा, एक्स टू साइन टू दावर 5x हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ये 2 × 4 हो गया और ये 1 × 5 साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं का होल स्क्वायर साइन एक्स
साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये हो गया, अब इसको लिख सकते हैं। देखिए यहां पर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम पुट करेंगे यहां पर, उसके बाद पुट करेंगे कॉस के जगह पर, कॉस के जगह पर पुट करेंगे। देखिए लाइट कट गया है थोड़ा सा, हम कॉट नहीं है, कॉस, कॉस के जगह पर, कॉस के जगह पर ये कॉस है, कॉस के जगह पर कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे। तो कॉस का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, जेड का है डी जेड बाई डी एक्स, तो हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन इस साइड करेंगे, देखिए देखिए इसके बाद इधर हम करेंगे, इधर यहां पर ये हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस के जगह पर, कॉस के जगह पर हम जेड पुट किए हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखिए ये इसके जगह पर जेड लिख दिए तो जेड स्क्वायर हो गया, और साइन एक्स डी एक्स तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हमारा डी जेड है, माइनस डी जेड, माइनस डी जेड हो गया। उसके बाद देखिए हम यहां पर तोड़ देंगे, आई इज इक्वल टू यहां पर ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी जेड। देखिए यहां पर इंटू माइनस डी जेड, माइनस डी जेड यहां पर माइनस डी जेड कीजिए, माइनस डी जेड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए माइनस इसमें घुसा दीजिए, माइनस जब घुसाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस जेड टू द पावर फोर इंटू डी जेड, ये हो गया। तो ये आई का वैल्यू हो जाएगा वन का हमारा जेड हो जाएगा, ये टू जेड क्यू बाई थ्री माइनस जेड टू द पावर फाइव, एक जोड़ेंगे पावर और टोटल से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। देखिए तो अब हमारा आई इज इक्वल टू माइनस जेड, जेड की जगह पर जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू हमारा कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स प्लस टू कॉस टू कॉस, देखिए टू कॉस क्यू एक्स बाई थ्री माइनस कॉस फाइव एक्स बाई फाइव प्लस सी, देखिए ये हमारा रिजल्ट आया, देखिए इसका रिजल्ट ये आया। देखिए इसके बाद अगला हम वीडियो बताने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अगला क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स। देखिये इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम इसको लिख देंगे, देखिए दोस्तों इसको लिख देंगे I इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये क्यूब है तो इसको स्क्वायर कीजिए, कॉस स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फाइव, पहले कर देंगे कॉस स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू कॉस एक्स, कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको क्या कीजिए, कॉस को चेंज कर दीजिए, कॉस को कैसे चेंज करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फाइव, ये हो गया, अंडर ब्रैकेट दीजिए इंटू कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, देखिए ये हो गया। उसके बाद हम पुट करेंगे साइन थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जेड, इसके जगह पर देखिए इसके जगह पर ये पहले तीन पावर है तो दो पावर एक पावर तीन पावर किए, कॉस क्यू को ऐसे तोड़ दिए, उसके बाद कॉस स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फाइव को इसको वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए इंटू ये यहां पर जस का तसूत्रा, अब इसको जेड मान लिए साइन को, तो जेड मान लिए तो साइन का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव, ये होगा एक्स कोफिशियंट से इंटू हो जाएगा,
इन इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, तो हो जाएगा हमारा कॉस इंटीग्रेशन कॉस 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 3 हो जाएगा। देखिए ये हो गया वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम i का वैल्यू लिखेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये 1 माइनस, इसके जगह पर साइन 3x प्लस 5 को z माने हैं, तो ये माइनस z स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस z स्क्वायर। और इसके जगह पर देखिए cos 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स के जगह पर dz बाई 3 रख देंगे। dz बाई 3 रखने के बाद देखिए क्या होता है, dz बाई 3 रख दिए, उसके बाद देखिए अब इस साइड में बनाएंगे, देखिए dz बाई 3 रख दिए, उसके बाद यहां पर आ जाइए, यहां पर लिखेंगे i इज इक्वल टू 1/3 कॉमन ले लीजिए, 1/3 हम कॉमन ले लिए 3, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये हो जाएगा दोस्तों i इज इक्वल टू 1/3, देखिए 1 का हमारा जेड हो गया, 1 का जेड हो गया, और जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड क्यू बाई थ्री प्लस सी हो गया। अब जेड के जगह पर जेड का वैल्यू रख दीजिए, 3 से अंदर इंटू भी कर दीजिए, 1/3 से इंटू, तो जेड का वैल्यू हमारा हो गया देखिए साइन 3x प्लस 5 बाई 3 साइन 3x प्लस 5 बाई 3 माइनस देखिए साइन क्यूब 3x प्लस 5 साइन क्यूब 3x प्लस 5, ये 3 जा 9 प्लस सी, देखिए ये हो गया हमारा, ये रिजल्ट हो गया, देखिए ये रिजल्ट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पर पावर सेवन अंडर ब्रैकेट एंगल है 3 माइनस 2x इंटू डी एक्स, देखिए ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये 6 3 माइनस 2x इंटू साइन 3 माइनस 2x इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं 6 × 7 हो जाएगा साइन पर पावर, देखिए लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये साइन स्क्वायर 3 माइनस 2x पर पावर होल पावर 3, देखिए होल पावर 3 कर देंगे, ये 3 × 6 हो जाएगा, अंदर बाहर के पावर में इंटू होगा तो 2 × 6 हो जाएगा, देखिए लिख सकते हैं 6 × 7 हो गया 3 माइनस 2x इंटू डी एक्स। देखिए अब होगा हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, उसके बाद इंटू साइन 3 माइनस 2x इंटू डी एक्स, देखिए ये हो गया, इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए, अब पुट कर देंगे, देखिए अब पुट कर देंगे, यहाँ पर पावर 3 है, ये 3 है पावर, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 कर दिए, अब पुट कर देंगे, देखिए पुट कॉस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू जेड, कॉस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू जेड, ये पुट कर दिए, पुट करने के बाद साइन का कॉस का इंटीग्रेशन कौन का कॉस का डिफ्रेंसिएशन, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, माइनस साइन 3 माइनस 2x इंटू एक्स के कोफिशियंट से इंटू कर दीजिए, एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस 2 इंटू डी जेड बाई डी एक्स, तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3 माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2,
देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, टू डिवाइड में यहां पर चला गया, इसका वैल्यू साइन थ्री एक्स माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई टू आ गया, डी जेड बाई टू आ गया। उसके बाद देखिए डी जेड बाई टू आने के बाद अब देखिए यहां पर ये डी जेड बाई टू है, थोड़ा सा टू और ऊपर लिख देते हैं, देखिए डी जेड बाई टू, डी जेड बाई टू है। अब देखिए यहां पर ले आएंगे, अब हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा वन वन माइनस, देखिए सॉरी ये ब्रैकेट नहीं था, देखिए वन माइनस ये ब्रैकेट वन माइनस, इसको जेड माने हैं कॉस को ना, तो जेड स्क्वायर ये होल क्यूब, जेड स्क्वायर होल क्यूब इंटू इसके जगह पर देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा डी जेड बाई टू इंटू डी जेड बाई टू। अब देखिए वन बाई टू हम बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिए, अब इसको तोड़ दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए, देखिए ये हो गया ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए माइनस बी क्यू, बी हमारा ये जेड है, जेड स्क्वायर का क्यू इंटू डी जेड, देखिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा हो गया देखिए यहां पर वन बाई टू, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया वन माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड टू दी पावर फोर, जेड टू दी पावर थ्री, जेड टू दी पावर फोर हो गया माइनस जेड टू दी पावर सिक्स हो गया इंटू डी जेड हो गया। देखिए इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, I इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू वन बाई टू, I इज इक्वल टू वन बाई टू, देखिए वन का जेड, ये थ्री जेड क्यू बाई थ्री, पावर में एक जुटेगा टोटल से डिवाइड हो जाएगा, प्लस थ्री जेड पर पावर फाइव बाई फाइव माइनस जेड टू दी पावर सेवन बाई सेवन प्लस सी जोड़ देंगे। अब क्या होगा, वन बाई टू को भी अंदर भेज देंगे, वन बाई टू को भी अंदर भेज देंगे, तो ये जेड बाई टू हो जाएगा, देखिए जेड बाई टू माइनस ये थ्री से थ्री कट गया, जेड क्यू बाई टू प्लस थ्री जेड टू दी पावर फाइव बाई टेन माइनस जेड टू दी पावर सेवन बाई सात दूना चौदह प्लस सी। अब देखिए जेड का वैल्यू हम रख देंगे, जेड का वैल्यू हमारा क्या है, कॉस थ्री माइनस टू एक्स, तो यहां पर रख दिए कॉस थ्री माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस कॉस क्यू, कॉस क्यू थ्री माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, इसके बाद ये थ्री कॉस फाइव टू दी पावर थ्री माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टेन माइनस, देखिए माइनस अब एक और लिखेंगे, देखिए ये टर्म लिख दिए, ये टर्म लिख दिए, ये टर्म लिख दिए, अब ये टर्म लिखेंगे माइनस जेड साइन, साइन नहीं सॉरी कॉस, कॉस सेवन टू दी पावर थ्री माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय चौदह, डिवाइडेड बाय चौदह, ये बाय टू ऊपर में है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, इसका बाय टू है, डिवाइडेड बाय चौदह प्लस सी, ये सी देखिए इसका रिजल्ट ये हुआ, देखिए आई का रिजल्ट हमारा ये हुआ,
देखिए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, एक पांच, कांस्टेंट लेकर पांच, एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म, एक फाइव टर्म। देखिए फाइव टर्म कांस्टेंट लेकर ऊपर भी है, वन टर्म, टू, थ्री, फोर, फाइव, यहां पर भी एक, दो, तीन, चार, पांच। देखिए ये हो गया, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त करता हूं। देखिए ये हो गया, अब यहां पर देख लीजिए, ये टोटल हो गया। यहां पर क्या किए हैं, देखिए कॉस की जगह पर कॉस का वैल्यू हम हर जगह पुट कर दिए हैं, कॉस की जगह पर कॉस का वैल्यू हम पुट कर दिए हैं। देखिए रख दिए हैं। देखिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, और वीडियो को शेयर कीजिए।